को कट करके बनाया गया है और देखिए जी नागर स्टाइल का मतलब टिपिकल डिपिक्शन है, इट इज इम्पोर्टेंट। और इसमें जैसा कि होता है नागर स्टाइल में, नागर स्टाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या, पंचायतन है ना, पंचायतन। एक कविता भी है ना जो आपको लिखता है कि सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मेरी रक्षा करी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पंडित जी लोग पढ़ते हैं, तो पंचायतन ही है। सदा भवानी दाहिने मतलब राइट हैंड साइड में फीमेल गॉड है ना, सन्मुख रहे गणेश, सामने में गणेश और पांच देव, तो दो ये होगा, तीन होगा ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा को तो नहीं रखते हैं, ब्रह्मा को अलग अलग फॉर्म में डिनोट करते हैं। वो कोई कोई नदी के फॉर्म में डिनोट करेंगे, कुछ और फॉर्म में डिनोट करेंगे उसको, है ना, कुबेर के फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो ब्रह्मा के मंदिर हटा दिया गया, कुछ गुप्तकालीन स्टोरी है, और बहुत कम जगह जो है सो ब्रह्मा की मूर्ति मंदिर है। तो पंचायतन कॉन्सेप्ट है नागर स्टाइल का। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है आपका रॉक कट टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू खान हिंदू टेम्पल मशहूर शो सिमिलरिटीज ऑफ द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई। सिमिलरिटी है एलिफेंटा केव्स, अंकोर वाट इन कंबोडिया एंड रॉकट टेम्पल महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। तो मतलब काफी सिमिलरिटी है, देख रहे, सभी अलग अलग जगहों पर है। कोई बॉम्बे के पास है, कोई महाबलीपुरम चेन्नई के पास है, कोई अंकोर वाट में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। दूसरा एक नाम हम पूछते हैं आपसे, संसार चंद। हाँ संसार चंद कौन है भाई, पढ़ा है आपने नितिन सिंघानिया में इसको? हाँ नितिन सिंघानिया में पढ़ा है। कांगड़ा पेंटिंग, हाँ कांगड़ा पेंटिंग देख ही लेते हैं, कांगड़ा पेंटिंग के बाद फिर से याद कर लीजिए। नितिन सिंघानिया से भी देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए। कांगड़ा पेंटिंग इज अ पिक्टोरियल आर्ट ऑफ कांगड़ा, नेम्ड आफ्टर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, फॉर्मरली अ प्रिंसली एस्टेट विच पेट्रोनाइज दी आर्ट। इट बिकेम प्रिविलेंट विद द फेडिंग ऑफ द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। बसोली कांगड़ा पहाड़ी सब के बारे में हम आपको डिस्कस किए थे ना, हाँ ग्रीन शेड्स में पहाड़ी में है, और कांगड़ा में तो थोड़ा सा ज्यादा आर्टिस्टिक हो जाता है कृष्ण का, बसोली स्कूल है। तो द मेन सेंटर ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग्स आर गुलेर, बसोली, चांबा, नूरपुर, बिलासपुर एंड कांगड़ा। लेटर ऑन दिस स्टाइल ऑल्सो रिच टू मांडी, सुकेट, कुल्लू, अकड़ी, नालगढ़, टेहरी गढ़वाल एंड आर नाउ कलेक्टिवली नोन एज पहाड़ी पेंटिंग। कवरिंग द स्टाइल लेटर पेट्रोलाइज बाय द राजपूत रूलर्स, है ना। पहाड़ी पेंटिंग एज द नेम सजेस्ट वर पेंटिंग एग्जीक्यूटेड इन द हिली रीजन ऑफ इंडिया, द सब हिमालयन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज द डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ पहाड़ी पेंटिंग दैट दी कांगड़ा स्कूल फीचर्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ महाराजा संसार चंद, है ना। इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर सेंटर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। तो संसार चंद का एक इम्पोर्टेंट फेज है, वही 18th सेंचुरी का है, 18th सेंचुरी लेट फेज का है, काफी बाद का है, और इज इम्पोर्टेंस इज देयर विद द कांगड़ा पेंटिंग। जैसे बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी पेंटिंग कौन सा किंग है, वो किशनगढ़, कोई किंग का भी नाम है, निहाल पेंटर है लेकिन किंग का नाम कुछ है, उसकी बिलवेड थी वो जिसने आप पेंटिंग किया था, समथिंग गंग करके कुछ नाम है। नहीं वो आपको उतना नहीं याद करना है, संसार चंद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज ही इज अ ग्रेट पेट्रोनाइजेशन ऑफ द पहाड़ी पेंटिंग का, है ना, देख ही लेते बने ठने में बिक जाएगा आपको।
बनी ठंडी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, पेंटेड बाय निहाल चंद, मारवाड़ स्कूल ऑफ किशनगढ़। इट पोर्ट्रेज वुमेन हु इज एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। द पेंटिंग सब्जेक्ट बनी ठनी वॉज ए सिंगर एंड पोएट इन किशनगढ़ एट द टाइम ऑफ द किंग सावंत की। ही हैज बीन कंपेयर टू द मोनालिसा। इंस्पायर्ड बाय राधा, बनी ठनी इज कैरेक्टराइज बाय एडलाइज डिस्टिंग फीचर्स सच एज आर्क आईब्रोज, लोटस लाइक इलोंगेटेड आईज एंड पॉइंटेड चीन। The painting was featured in an Indian stamp viewed on 5th March 1973। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है इसका, राजा का नाम सावंत सिंह। तो बनी ठनी वॉज बिलीव टू द मिस्ट्रेस ऑफ किंग सावंत सिंह, है ना। एंड लेटर बिकेम वन ऑफ हिज वाइफ। हर रियल नेम वॉज विष्णु प्रिया। शी वॉज अ सिंगर एम्प्लॉयड बाई द स्टेप मदर एंड आई ड्रॉन टू दी बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड सिंगिंग एंड एनी हाउ। तो ये आपका टैबू मोनास्ट्री इंपॉर्टेंट मोनास्ट्री मोनास्ट्री सबसे। हिमाचल में आपका एक इंपॉर्टेंट है यूनेस्को वर्ल्ड साइट, कौन कौन से, कौन सा नेशनल पार्क है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में एक और भी जगह है, एक और चीज है आपका हिमाचल में, वो कालका शिमला ट्रेन रूट भी है। कालका शिमला ट्रेन रूट भी इसी में। तो चलिए एक शॉर्ट नोट लिखिए। हाँ 25-30 वर्ड और 20 वर्ड भी ठीक। तुम लोगों तीनों चारों चैप्टर पढ़ी थी, 111 से 127 पेज तक नहीं पढ़ा था। इंडिया एट द रेट 75 नहीं पढ़ पाई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं। कल तो न्यूज़पेपर कम था, 2 घंटा में पढ़ सकती थी इतना को।
मोनास्ट्री ज्यादा पढ़ने लगी इधर। कौन मोनास्ट्री का? ठीक है, होएगी हवा कड़ी कड़ी। हाँ ना, एक दो चीज और थोड़ा देख लेते हैं। एक महाराजा रणजीत सिंह है शिमला, थोड़ा 20-25 वर्ड लिखिए। महाराजा रणजीत सिंह है शिमला, दोनों एक साथ। रणजीत सिंह कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्यादा नहीं है, मतलब 20-25 वर्ड ही हम बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं लिख रहे क्या? ठीक है, एक और कॉन्टेक्स्ट में है, इसका नाम सुने, सत्यानंद स्टोक्स, हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। सत्यानंद स्टोक्स देख लेते हैं। एप्पल फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और काफी सारा इसका लिख रहा है। सत्यानंद स्टोक्स, डेथ 1946, वॉज एन अमेरिकन हु सेटल्ड इन इंडिया एंड पार्टिसिपेटेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी है। सत्यानंद स्टोक्स वॉज एन अमेरिकन सिटीजन, ओके, अमेरिकन अमेरिकन बाय बॉर्न, हु सेटल्ड इन इंडिया, पार्टिसिपेटेड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही बेस्ट रिमेम्बर टूडे फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड एप्पल कल्टीवेशन इन इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बंदा जो है, ये लेप्रोसी सेंटर के लिए शायद आया था इंडिया में, है ना, लेप्रोसी के सर्विस के लिए। तो
ही इंट्रोड्यूस्ड द एप्पल कल्टीवेशन इन इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर एप्पल्स आर टुडे द मेजर हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट ग्रुप. तो एप्पल्स के कारण हिमाचल प्रदेश को जानते हैं और मेन ही इज द पर्सन हु हैज ब्रॉट एप्पल कल्टीवेशन. लाया भी यही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका. सत्यानंद स्टॉक, सत्यानंद वाज बोर्न एज सैमुअल इवन स्टॉक्स जूनियर इज एन अमेरिकन क्वेकर फैमिली. क्वेक हिज फादर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन वाज द फाउंडर ऑफ द स्टॉक्स एंड पैरिस मशीन कंपनी वाज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिवेटर इन यूएसए. उस टाइम एलिवेटर बनाते थे. द यंग सैमुअल डिड नॉट एक्वायर एनी प्रोफेशनल स्किल एज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस. साधु बनना था उसको, है ना. नेवरदलेस हिज फादर मेड मेनी एफर्ट्स टू इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस बट सैमुअल वाज नॉट इंटरेस्टेड एज ही बिलीव्ड इन डूइंग ग्रेटर गुड इन लाइफ. सिंस द फैमिली वाज वेल्दी दे प्रोवाइडेड फॉर हिज नीड्स. अब लोगों ने बोला बेटा जब पूरा बोलता ही है कि हम मानवता की सेवा करेंगे, ह्यूमैनिटी का, लेट अस हेल्प हिम, है ना. 1904 एज 22 सैमुअल केम टू इंडिया टू वर्क एज ए लेपर कॉलोनी लोकेटेड इन सबाथू इन शिमला. लेपर लोगों का, लेप्रोसी लोगों की कॉलोनी में सेवा करने के लिए वो चला गया कि भाई कुष्ठ रोगियों की सेवा करेंगे. हिज पेरेंट्स वेर अपोज टू दिस मूव. पेरेंट्स को बोला कि लड़का 22 साल का लड़का है, चला गया लेप्रोसी की सेवा करना. बट ही डिड इट एनी वे बिकॉज इट वॉज ए जॉब वेयर ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. लेकिन फिर भी फादर लोग बोले कि इसको अच्छा लग रहा है, लेट हिम डू. इंडिया वॉज ऑल्सो फार अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड अदर पीपल हु लुक डाउन ऑन हिम फॉर नॉट टेकिंग ओवर हिज फैमिली बिजनेस विद ही गवर्नेंस. तो लोग उसकी शिकायत भी करते थे. द लेपर्स लीडेड हिम एंड एडोर्ड हिम एंड द अदर लोकल पीपल ट्रीटेड हिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज ही वॉज ए फॉरन मैन डूइंग ए पायस जॉब. Once his parents realized that this job fulfilled some deep emotional need of their son, they supplied him with considerable money, which he used both for the leper colony and for helping the local villagers in a small way. All of which further enhanced the respectability. Raised as a Quaker, Samuel was drawn to the asceticism that is exalted in Indian spirituality and began living a simple, frugal life among the villagers, becoming a sort of Christian sannyasi. तो करीब करीब वो सन्यासी बन गया, है ना. A few years later, Archbishop of Canterbury, who was visiting the Viceroy at Shimla, heard the leper colony and was impressed. He encouraged him, Samuel to form an order of Franciscan friars, an order of monkhood committee to living in poverty and aiding the diseased and dying persons. Samuel formed such an order. उसने क्रिश्चियनिटी के तहत एक ऑर्डर भी बनाया उसने. But his membership in this widening brotherhood of monks lasted only for 2 years. In 1900, Samuel married a local Rajput girl, gave up his life of poverty, purchased a chunk of farmland. 1912 में वो एक राजपूत लड़की से शादी कर लेता है ना. तो ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 32 है ना. परचेज्ड अ चंक ऑफ फार्मलैंड, कुछ फार्मलैंड खरीदा नियर हिज वाइफ विलेज एंड सेटल्ड देयर. हिज वाइफ एग्नेस वाज द डॉटर ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन राजपूत क्रिश्चियन. सैमुअल्स फादर हैड सेटल्ड ए कंसिडरेबल फॉर्चून अपॉन सैमुअल and the purchasing power of his inheritance was magnified manifold in the remote beautiful part of India where he settled. इसके पैसे ने भी काफी, फादर ने भी काफी पैसा दे दिया. और उसने क्या किया कि उसको फार्मलैंड को इम्प्रूव करने लगा और उस पर एप्पल की खेती शुरू कर दिया. स्टोक्स ऑलवेज हैड ए सेंस ऑफ द सोशल जस्टिस और वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन भी किया और लाला लाजपत राय के साथ तो पंजाब में किया. ही वॉज ओनली नॉन इंडियन टू साइन द कांग्रेस मैनिफेस्टो इन 1921. 1921 में ही वॉज द ओनली इंडियन जिसने कि कांग्रेस मैनिफेस्टो को किया था. महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में लिखा है कि दैट ही शुड फील विथ एंड लाइक एन इंडियन, शेयर हिज सॉरोज एंड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द स्ट्रगल हैज प्रूव टू मच फॉर द गवर्नमेंट. टू लीव हिम फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वॉज इनटॉलरेबल सो हिज व्हाइट स्किन हैज प्रूव्ड नो प्रोटेक्शन परमिट डाइट नहीं हो वाट एवर. तो आप जो है सो इम्पोर्टेंट पर्सनलिटी ना, बिकॉज हैज पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट, अमेरिकन एप्पल कल्टिवेशन को लाया, लेपर कॉलोनी में काम किया. तो इज अ ग्रेट पर्सनलिटी. तो चलिए, तो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो हम लोग को ज्ञानवर्धन हुआ ना. वी गॉट सम गुड इनसाइट जो नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते. नहीं तो स्टेट पढ़ने से ना कुछ चर्निंग हो जाता है,
कुछ कुछ चीज यहाँ पढ़े होंगे वहां पढ़े होंगे, वो एक जगह फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना। हमें जहां तक याद आ रहा है कि सत्यानंद स्टोक्स भी आप हम किसी क्लास में हमने पढ़ाया होगा, किसी न किसी क्लास में हमने जरूर इसके बारे में बोला होगा, या आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि तो हमारा काम क्या है, इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे रहे हैं, और पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से न्यू इंडिया एट द रेट 75 इज इम्पोर्टेंट। नहीं, टुडे संडे तो हमें वैसे भी रिवीजन करना है, ये आपका रिवीजन किया हुआ है ना, न्यू इंडिया एट द रेट 75 एक बार तो आपने पढ़ा ही है, एक इम्प्रेशन लिया है ना आप लोगों ने, जब शुरू में आया था तो पढ़ा था इसको, पहला वाला चैप्टर सबने अच्छे से किया था। हाँ, उसके बाद इंक्लूजन में फिर जाके थोड़ा गड़बड़ हुआ था, गवर्नेंस भी किया है, तो पहला सेकेंड थर्ड में तो प्रॉब्लम था। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड एक्शन, तो आपको पीएम जय अभी तो वही इम्पोर्टेंट आपके लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, लेकिन कुछ यहाँ पर होगा जिसको कि आप देख लीजिएगा, करंट सिचुएशन देखते हैं सीधे सीधे। अब द टोटल करंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्लासिफाइड बाय हेल्थ केयर फंक्शंस प्रिवेंटिव केयर अकाउंट्स फॉर 6.7%। प्रिवेंटिव केयर पर बहुत कम खर्च, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, लेकिन हम देख रहे हैं, ऑफ द टोटल करंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्लासिफाइड बाय हेल्थ फंक्शंस प्रिवेंटिव केयर अकाउंट्स फॉर ओनली 6.7%। तो कभी भी आपका हेल्थ के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हो तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देता है। मनी स्पेंट ऑन क्यूरिंग पीपल ऑन अदर हैंड इज 51% ऑफ द एक्सपेंडिचर। अगर प्रिवेंशन में हम थोड़ा ज्यादा खर्च करें तो क्यूरिंग में थोड़ा सा अपने आप कम हो जाएगा। ऑल्दो इंडिया अकाउंटेड फॉर द 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, तो पता ही है आपको इंडिया का ग्लोबल पॉपुलेशन का 18% पॉपुलेशन हम लोग शेयर करते हैं। वी अकाउंटेड फॉर 34% ऑफ द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस। टीबी आपके लिए इम्पोर्टेंट वैसे भी है नहीं, तो हम 18% पॉपुलेशन है, डबल जो है टीबी का बर्डन रखे हुए नहीं, तो वी अकाउंटेड फॉर 34% ऑफ द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब अफ्रीका अफ्रीका सबका कंडीशन खराब ही होगा लेकिन हम भी काफी है। एंड 26% ऑफ द प्री मैच्योर मोर्टेलिटी ड्यू टू डायरिया। 26% की मच्योर मोर्टेलिटी को हम लोग ODF स्कीम से जोड़ सकते हैं, नहीं, डायरिया वाला जो है, डायरिया का सीधा रिलेशन ODF से है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ अकाउंट्स फॉर कैंसर से नाउ कॉजिंग हेल्थ लॉस विद 55% मोर्टेलिटी, दिखाई नहीं होगी तो छोड़ दीजिए। आयुष का तो नाम क्यों नहीं है, आप लोग इंद्रधनुष जानते ही हैं, नहीं, आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी, योगा, योगा के बाद यूनानी, सिद्ध 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 लिखे, सिद्ध कहाँ का है, सिद्ध सिद्ध जो है वो कहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट, किस स्टेट का टिपिकल है। केरला का होगा, देख लेते हैं केरला का होगा, केरल का क्या, केरल का सीधा मेडिसिन, सीधा सीधा दिखता है, सीधा बात छोड़ दीजिए। सिद्धा इज अ टर्म दैट यूज्ड वाइडली इन इंडियन रीजन एंड कल्चर, इट इज वन ऑफ, नहीं वो नहीं, सिद्धा आयुष, व्हाट इज सिद्धा इन आयुष, सिद्धा मेडिसिन तमिल का है, चित्त मरुगतम इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ओरिजिनेटिंग इन एंशियंट तमिलकम तमिलनाडु इन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। तमिल है, केरला में भी है सिद्धा का, लेकिन केरला मेथड भी जो है सिद्धा मेडिसिन के हैं। ट्रेडिशनली इट इज टॉट,
सिद्धा लेड द फाउंडेशन फॉर द सिस्टम ऑफ मेडिकेशन, सिद्धा मेडिसिन देखते हैं। ये आपका सिद्धा साइंस इज ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम जनरेटेड फ्रॉम द तमिल कल्चर। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट से दैट द सिद्धा सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड शिवा टू हिज वाइफ पार्वती। पार्वती एक्सप्लेन्ड ऑल द नॉलेज टू हर सन लॉर्ड मुरुगा। मुरुगा मतलब इंडिया का कार्तिकेयन है ना। ही टॉट ऑल हिज नॉलेज टू हिज डिसाइपल सेज अगस्त्य, एंड अगस्त्य टॉट 18 सिद्धार्थ एंड स्प्रेड द नॉलेज टू ह्यूमन बींग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया नहीं? अगस्त्य से मतलब तमिल तमिल संगम लिटरेचर में भी हो सकता है कि सिद्धा का इस्तेमाल हो, जब अगथिया में बात कर रहा है और मुर्गन की बात कर रहा है। सिद्धा इज फोकस्ड एंड अष्ट महासिद्धि द एट सुपर नेचुरल पावर। दोज हु अटेंड और अचीव दिज पावर्स आर नोन एज सिद्धार्थ। देर आर 18 इंपॉर्टेंट सिद्धार्थ इन ओल्डन डेज एंड डेवलप द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हेंस इट इज कॉल्ड सिद्धा मेडिसिन। सिद्धार्थ रूट देयर नॉलेज ऑन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ विच आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इट इज बिलीव दैट सम फैमिलीज मे पजेज मोर फ्रेगमेंट्स बट कीप देम सोलली फॉर देयर ओन यूज। सिद्धा में जो है आपका आयुर्वेदा की तरह ही इसमें भी कूट काट के बनाते हैं ऐसे। तो ये है इसमें कंसेप्ट ऑफ डिजीज क्या है कि व्हेन द नॉर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री ह्यूमर्स, क्या क्या है भाई? वही है कफ पित्त वायु है ना, वही लिख ही रहा है। वादम पितम कफम है ना, कफ पित्त वायु। आयुर्वेद का क्या है? त्रिदोषा कंसेप्ट है ना आयुर्वेद। आयुर्वेद बोलता है कफ पित्त वायु, और तीन सिम्टम्स का डिराइवेशन करने का तीन मेथड है। तो तीन नाड़ी नाड़ी शोधन करते नहीं आयुर्वेद में, तो सिम्टम्स को डिराइव कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कि आदमी बीमार है, तो इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। तो नाड़ी मतलब होता है कि तीन तरह का वहां पर लगाते हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना है ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना, INGLA इंगला, PINGLA पिंगला, SUSHUMNA सुषुम्ना। सुषुम्ना SUSHUMNA सुषुम्ना, उसका मिस विदाउट एस, मिस विदाउट एस, MIS, मैलियस इनका स्टेपस। इंगला पिंगला सुषुम्ना। तो आप जब बहुत बड़े साधु बन जाएंगे, जब गुरु गुरु बन जाएंगे, तो गुरु का जो सुषुम्ना में उसका सांस चलता है, तो ही विल बी नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल इमोशंस, आराम से रहेगा। तो ये जल्दी सुषुम्ना स्टेज में उसका रहेगा, तो ही विल बी नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इमोशनल टर्बुलेंस, ठीक है ना। तो दैट इज द सुषुम्ना में अगर किसी का सांस चल रहा, मतलब कि वो फिजिकल ऑलमेंट्स और मेंटल ऑलमेंट से ऊपर उठ जाएगा वो, है ना। नॉर्मली उसकी तबीयत भी खराब नहीं होगी, उसको मेंटली भी स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, धीरे से बात करेगा, आराम से रहेगा, सुनेगा, समझेगा, समथिंग लाइक दैट। दैट इज द साधु का लक्षण है ना सुषुम्ना। तो व्हाट द आयुर्वेदा टेल्स कि जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आयुर्वेदा क्या बोलता है? खाना बंद करो। साधु लोग कम खाते हैं ना, है ना। ओपन एयर में जाओ, फल खाओ, हल्का सा खाओ, भूखे रहो, गर्म पानी पियो, यही सब है, यही सब आयुर्वेदा में करते हैं ना। दैट इज नेचुरोपैथी के, ताकि आपका जो जो आपका नाड़ी शोधन में जो नाड़ी डिस्टर्ब्ड है, वो नाड़ी जो है आपका एक एडवांस लेवल में चला जाए। तो दैट इज द आयुर्वेदा का प्रिंसिपल है जो नेचर का है। अदरवाइज कोई ना कोई दोष है आप में, अदरवाइज दोष है। तो दो तरह का मानता है वो लोग कि आपका नाड़ी शोधन मतलब कोई मेंटल है, तो कहते हैं ना कि साइकोसोमेटिक डिजीज होता है। माइंड आपका खराब है तो आपके बहुत तरह के लक्षण भी बीमारियों के उत्पन्न हो जाएंगे, साइकोसोमेटिक है। तो दैट कॉज नाड़ी शोधन, कि आपका आहार विहार प्रत्याहार योगा वहां से शुरू हो जाता है उसके आगे, तो वो सब कीजिए तो आपका जो है सो लाइफ ठीक रहेगा। और नहीं तो फिर आपको त्रिदोष, तीन दोष है, तीन दोष के लिए आपको इलाज कराइए। तो क्या क्या दोष होगा? कफ पित्त वात। तो हर आदमी में दोष है, ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना दोष का नहीं, ये नहीं है कि दोष गलत है, दोष है।
देयर हैज टू बी बैलेंस ऑफ द थ्री दोष, वो तीनों दोष का बैलेंस होना चाहिए, 33 33 33 पर रहे तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। हर आदमी कोई ना कोई दोष की अधिकता से पैदा हुआ है, तो वो आपके चित्त है, वो आपकी प्रवृत्ति है। मान ली किसी की कफ दोष है, तो कफ दोष है तो उसको किस तरह का प्रॉब्लम्स होगा और किस तरह की अच्छाइयां होंगी। एक आयुर्वेदा में दोष का अच्छाई भी है उस व्यक्ति में, अगर कफ दोष है कि कफ दोष प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको जैसे कि सर्दी खांसी जल्दी होगा, है ना, कफ से रिलेटेड उसको उसको जो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना, उसको खाने के पड़ता थोड़ी ऐसी रहेगी कि थोड़ा सा ज्यादा खाना पसंद करेगा तो राजा की तरह सोचेगा वो, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा लाइविस्टली रहेगा, चलेगा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा सा उसका बॉडी जो है हल्का सा वो बल्की टाइप का होगा तो स्ट्रॉन्ग फ्रेम होगा, तो ये सब कफ दोष का लक्षण है ना। तो अब उस व्यक्ति का जब इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या अच्छा उपाय है, उसका अच्छा उपाय है कोई त्रिफला, त्रिफला खाइए तो आपका कफ दोष कम होगा। तो आयुर्वेदिक वेरी मतलब साइंटिफिक, इट इज नॉट लाइक दैट कि आप सोचते हो कि आयुर्वेदा जो है सो साइंटिफिक, और आयुर्वेदा के उसी दवाओं के सत्य से जो है, जो अब बहुत सारे मेडिसिन बने हैं और बाद में उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है ना, अदरवाइज ये है। तो देर इज अ वेरी गुड बुक रिटन बाई दीपक चोपड़ा, परफेक्ट वेट, है ना, परफेक्ट वेट, बड़ा अच्छा वो आपका क्वेश्चन फॉर्म देता है, उसमें बताता है कि आप में कौन सी दोष ज्यादा है, तो व्हाट शुड बी द बेस्ट रिमेडी फॉर यू, है ना, तो समथिंग लाइक दैट। तो सीधा आपको समझ में आयुर्वेदा का ये जो आयुष का अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सीधा इज इम्पोर्टेंट तमिल, लोग थोड़ा इधर से उधर जा रहे थे ना, यानी वो जानना चाहिए। एफर्ट्स हैव बीन इंटेंसिफाइड फॉर इलिमिनेटिंग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज लाइक कालाजार। कालाजार किससे होता है, कौन करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, क्या है कालाजार, प्रोटोजोआ, देख लो भाई कालाजार याद कर लो, प्रोटोजोआ, कभी मान ले इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछ दे। लेशमैनिया डेनोवेंसिस ऐसे कुछ नाम दिया हुआ है, लेशमैनिया, लेशमैनिया जो है सैंड फ्लाई, है ना, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, इसको इससे जो कालाजार होता है। सैंड फ्लाई कैसा होता है, कितना बड़ा साइज का होता है सैंड फ्लाई, कितना छोटा, हाँ, क्यों क्यों ब्लैक फीवर बोलते हैं, मतलब कि स्किन, स्किन का कलर जो है कॉपर कलर का हो जाता है, आदमी का स्किन जो है वो काला रंग का हो जाता है, कॉपर कलर का, गोरा आदमी तो कॉपर हो जाएगा, काला है तो बिल्कुल काला हो जाएगा, है ना। तो वो जो है कॉपर कलर का हो जाता है, तो इसको एक सैंड फ्लाई जो है ये बहुत छोटा होता है, सैंड होता है, सैंड के साइज का होता है, इट इज वेरी स्मॉल, हाँ सैंड के साइज का होता है, क्या नहीं, वो काटता है। तो कालाजार इज ए स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजेनस डिजीज कॉज बाय अ प्रोटोजन प्रोटोसाइट ऑफ द जेनस लेशमानिया, लेशमानिया है, प्रोटोजोआ का नाम है लेशमानिया। लेशमानिया कैसा होता है, समझिए कि वो पतला सा स्पिंडल शेप का होगा और थोड़ा सा उसका पूंछ लगा रहेगा ना। पैरासाइट प्राइमरली इन्फेक्ट्स द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड मे बी फाउंड इन अबंडेंस इन बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर, ये जाके सीधे सीधे बोन मैरो में घुस जाता है, अब बहुत दिन बाद जो है इफेक्ट देता है धीरे धीरे। डर्मल लेशमानिया बोलता है कि ये कंडीशन इन विच लेशमानिया डेनोवेनी पैरासाइट इन्वेड्स द स्किन सेल्स, सबसे लास्ट स्टेज में कहां पर इन्फेक्ट करता है,
स्किन में, तब तक में लीवर डैमेज हो चुका रहता है। तो पैरासाइट रिजाइड्स एंड डेवलप्स देयर एंड मैनिफेस्ट इन डर्मल लेजेंस। रिसेंटली इट इज बिलीव दैट पीकेडेल वाटर पैरासाइट जो भी है मे अपियर विदाउट पासिंग थ्रू विजिकल स्टेज। वो छोड़िए, उतना आपको इतना जानना है कि ये क्या करता है। कालाजार जो है ये खासकर गोबर जहाँ होता है ना, गाय का गोबर वगैरह, भैंस का गोबर, तो वैसे जगह पर जहाँ के लोग मवेशी और आदमी साथ साथ सोते हैं और गोबर बगल में कहीं इकट्ठा करते हैं एक ही जगह, बिना कंपोस्टिंग नहीं करते, गोबर को ढक देना चाहिए, गोबर को तुरंत जो है गड्ढे में डाल के ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए, है ना। तो जहाँ ये नहीं होता है वहां पर जो सैंड फ्लाई उसी पर अपना अंडा देके उसी से बढ़ता है ना। आप कभी कभी गोबर पर देखोगे पतला सा एकदम छोटा सा फ्लाई टाइप का होगा, उसके दो पंख होते हैं और दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है। और सैंड पे बैठ जाएगा तो दिखेगा ही नहीं कि सैंड का कलर, उसका कलर वैसा ही होता है, एक ही तरह का होता है। तो ये जो बिहार इज कालाजार फ्री माना जाता है, लेकिन बिहार में भी कालाजार है ना। वी हैव डायग्नोस्ड कालाजार पेशेंट्स इन माय मैं अपने गांव में काफी, और तो फिर बड़ा हंगामा मच गया, पूरा न्यूज पेपर सब में आ गया कि बिहार के सबसे अति पिछड़ा पंचायत सिंहवाहिनी में कालाजार के 14 पेशेंट एक साथ डिटेक्ट हुए थे। संजोग ऐसा था कि हम गए तो गांव में, मतलब देखो आपको सिविल सर्वेंट आपको होगा ना, IAS वगैरह जब आप DM होगा तो आपको सब समझना पड़ता है। जैसे जाओ तो देखा कि भाई पूरा का पूरा गोबर जो है एकदम रोड किनारे ही सब रखे हुए हैं, पूरा मुशहर का बस्ती है। हम बोले कि यहाँ जरूर कालाजार का पेशेंट होगा, तो वाइफ बोलने भी लगी कि तुमको वैसे ही डॉक्टर बन जाते हैं। हम बोले कि नहीं, एकदम 100% होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो कंडीशन है तो गोबर आज से नहीं डाले हैं, डालते ही जा रहे हैं, जरूर होगा। तो हम लोगों से पूछे कि यहाँ बच्चा लोग का काला रंग का एकदम पूरा था, सब बच्चा काला ही है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत बच्चा मरा है अभी जो बड़ा ये खुजली टाइप का हुआ, पूरा एकदम दाना दाना हो गया। तो एक दो बच्चा को देखे, हमको लगा कि ये है, तो हमने रिपोर्ट किया, वहां का DM था उसको, उसने टीम भेजी और मिला काला जाए 14 बच्चों को था। तो फिर उसको इलाज उलाज हुआ, ठीक हो गया। लिख भी रहा है कि सैंड फ्लाइज ब्रीड इन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर, हाई सब सॉइल वाटर, अबंडेंस ऑफ वेजिटेशन। सैंड फ्लाइज ब्रीड इन फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, प्लेसेस विद हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड सर्व्स एज ए फूड फॉर द लार्वे। ऑर्गेनिक वेस्ट जहाँ ज्यादा, गोबर क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो है, तो जहाँ सरा गला सब कुछ वहां पर सामने में ही है, वहीं लोग रह रहे थे। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसमें, कालाजार। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या होता है, फाइलेरिया का वो क्या है, वो आपका हेलमिंथ ग्रुप का, हेलमिंथ कॉज करता है, इट इज नॉट प्रोटोजोआ, है ना। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है ये हेलमिंथ होता है, जो आपके स्किन में चला जाता है। मैं देख लेता हूँ इसको, फाइलेरियासिस ये देखा ना, फाइलेरियासिस इज अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद राउंड वर्म, है ना, ऑफ द फाइलेरियोइडे टाइप। दे आर स्प्रेड बाय ब्लड फीडिंग डिप्टीरिया और द ब्लैक फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज। हाँ ठीक है, मॉस्क्यूटो भी उससे भी जा सकता है, डिप्टीरिया और ब्लैक फ्लाइज, है ना। देखते हैं इसको, मॉस्क्यूटो टेक्स द ब्लड, अच्छा ब्लड से फिर लेके वो चला जाता है, इसका अंडा उंडा चला जाएगा, फिर अंडा से फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये एस्केरिस है, मतलब कि हेलमिंथ ग्रुप का है ना, ये आपको अंदर में हेलमिंथ ग्रुप का मॉस्क्यूटो कैरियर है, और भी है, ब्लैक फ्लाइज भी है, डैप्टेरेंस भी है, कोई भी काटते हैं, लेकिन ये इसके थ्रू जाता है। केचुआ टाइप का, केचुआ जो है सो आपका एनेलिडा है, उससे पहले का पैरासिटिक ग्रुप होता है नॉर्मली। नेमाटोड्स, हेलमिंथ, नेमाटोड जो है बहुत सारे इन्फेक्शन करता है आपको क्रॉप्स का,
बहुत सारे क्रॉप्स का इन्फेस्टेशन जो है नेमाटोड्स का होता है, हेलमिंथ ग्रुप का। तो हेलमिंथ ग्रुप जो है जिसको नेमाटोड कहते हैं, जो कि अर्थवर्म की तरह ही दिखता है, होता उसी तरीके का है, लेकिन अर्थवर्म में क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी होते हैं। क्या होता है, बॉडी सेगमेंट होता है, हर सेगमेंट 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 में बॉडी चलता है ना। और हेलमिंथ में क्या होता है कि बॉडी सेगमेंट में नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है ना। ये बड़ा बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादा लिम्फेटिक फिलेरेसिस लिख रहा है यहाँ पर, गुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, बुल्गेरिया मलेवी, ये सब कोई भी इसमें ये नहीं है, क्या कहते हैं, मॉस्किटो नहीं है। मॉस्किटो भी एक है फैक्टर, लेकिन ज्यादातर ये तो ब्लैक फ्लाईज है इसमें, है ना। ज्यादातर मेन इम्पोर्टेंट है कि लिम्फेटिक फिलेरेसिस मतलब वो जो कीड़ा जो है एस्केरिस, जो पेट में भी होता है ना, राउंड वर्म, हुक वर्म जो कहते हैं, पिन वर्म, दे ऑल आर द हेलमिंथ वर्म, दे ऑल आर द हेलमिंथ, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये सब के लिए एल्बेंडा जोल जो खाते हैं लोग, एल्बेंडा जोल तवा खाते हैं ना, हर आदमी को खाना चाहिए 6 महीना में एक बार, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस कि वो थोड़ा सा भी कुछ हुआ नाखून नुखून में कहीं लगे, आप खाते ही हो कहीं ना कहीं कुछ चला गया, वहां से आपके मुंह में चला गया, मुंह से वो पेट में है, पेट में से फिर वो जो उसका जो लार्वे मतलब कि एक जो है कहीं भी जा सकता है ना, ब्रेन में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, इट मे कॉज ऑल टाइप ऑफ अल्सर, कुछ भी हो सकता है। बेटर है कि एल्बेंडाजोल खा लिया जाए ताकि वो बड़ा होगा मर जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन में नॉर्मली होता है। जो नहीं स्कूल में खिलाए जाते हैं भाई, हर स्कूल में खिलाए जाते हैं, हर स्कूल में ना 6 महीना में एक बार आता है ना डॉक्टर, एल्बेंडाजोल की दवा देता है, बोलता है डिवर्मिंग करना है बच्चों को कि वर्म खत्म हो जाए। इवन डॉग्स को भी खिलाया जाता है हर 6 महीना में। डॉग्स क्यों नहीं खिलाते, वहां जाते हो डॉक्टर देता होगा, हर 6 महीना में देता है। डिजीज नीड टू बी प्रिवेंटेड फर्स्ट बोल रहा है, हैज टू हिस्टोरिकली बीन एनी हाउ व्हाट एवर इज देयर, छोड़िए इसको। प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द डिजीज, प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द डिजीज बर्डन। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, मैल न्यूट्रिशन का कारण सबसे ज्यादा आपको डिजीज हो रहा है। मैल न्यूट्रिशन के कारण कौन सा डिजीज होगा, कवाश्योरकर, मरास्मस, स्टंटिंग, एरिकेट्स, यही सब है। एयर पोल्यूशन सेकेंड फैक्टर हो गया है ना, एयर पोल्यूशन सेकेंड फैक्टर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं अब इस तरह से क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है ना, आप किस क्रम में सजाइए कि कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन उसके बाद, कौन उससे कम, कौन उससे कम, है ना। तो अब वाश लिख देगा तो दया कर, वाश लिख रहा है जरूर, सबसे ज्यादा बीमारी इससे होता है, लेकिन वाश का टोबैको से भी नीचे है। वे फॉरवर्ड तो आप लोग पढ़ते ही रहेंगे, है ना, कि आपको हेल्थ का तो आपने पीएम जय में भी पढ़ा है। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, एक आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, पीएम जय यहाँ लिखा ही हुआ है, ये तो आपका चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ना, तो फिर यही तक आ जाइए 127 से लेके 145 तक।
या 149 तक कर दीजिए, है ना, 4 पेज और बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, देखिए क्या हुआ कि आपको इकोनॉमिक्स का एक अच्छा, एक बार फिर रिविजन हो जाएगा, फिर रिविजन करेंगे इसको, ऐसा नहीं कभी छोड़ देंगे, एक बार और करेंगे इसको। तो क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बेस सब है, इन सबों से हमारा जो न्यूज़पेपर से जोड़ने के लिए पॉइंट सब तो यहीं पर है ना, इसको फिर पढ़ेंगे। तो ठीक है, 127 to 149, 22 पेज है, ज्यादा नहीं है, फॉन्ट साइज देखो ना कितना छोटा है ना, कितना बड़ा है, मतलब 1 पेज में ज्यादा है भी नहीं, 20-22 पेज है और क्या। तो चलिए आप, देख लेते हैं। टुडे संडे, संडे को थोड़ा लीजर टाइम ही रखना चाहिए, है ना, रहा था। ईरान टू प्रमोट छाबर एज कर्व्स विल हिट मेन पोर्ट, है ना। तो ये आपको कल का न्यूज से थोड़ा सा लिंक है भी, ये भी आप देखिए, छाबर पोर्ट का है, बंदर अब्बास, है ना, बसरा, तेहरान, बाकू, इस्तांबुल, बेलग्रेड उधर चला गया, अकाटू इधर हो गया, जेहदन, तो जेहदन हम बता रहे थे ना, जहां से पहुंचेगा वो अफगानिस्तान के लिए, जेहदन इज इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इंडिया फॉर हैविंग द रिलेशंस विथ अफगानिस्तान, है ना, छबार से जेहदन का। तो ईरानियन गवर्नमेंट प्लान्स टू यूज छबार एज ए कनेक्टिंग नोड नॉट जस्ट टू साउथ एशिया बट ऑल्सो सेंट्रल एशिया, यूरोप एंड मेडिटेरेनियन। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये ईरानियन गवर्नमेंट का छाबार का, कि ये छाबार को एक ईरानियन गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे रहा है। रेल कॉरिडोर कहाँ कहाँ बन रहा है देख ही रहा है आपका रेड कलर में, तो रेड कलर में आपको इधर इस्तांबुल भी जा रहा है, बेलग्रेड जा रहा है, इधर अश्खाबाद जा रहा है जो ताशकंद साइड में निकल जाएगा, और इधर जो जैडन भी जा रहा है ना, तो जैडन जो है से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक है आपका पेंगोलिन, पेंगोलिन क्या है, कौन सा रेप्टाइल्स है, मतलब क्या है, रेप्टाइल है, मैमल है, क्या है, मैमल, इट इज अ मैमल है ना। पेंगोलिन है इज बिकमिंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडियन पेंगोलिन तो बहुत, इंडियन पेंगोलिन तो बहुत जगह पाया जाता, नहीं चाइनीज, चाइनीज इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, नहीं लिख रहा, इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सर चाइनीज पेंगोलिन, हाँ वही हम बोल रहे हैं, चाइनीज पेंगोलिन आर ऑफिशियली कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन 2014 बट आई थिंक इट इज एक्सटिंक्ट टुडे, इंडियन पेंगोलिन इज मार्क्ड इंडेंजर्ड दैट ईयर, इज नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अच्छा, इंडियन पेंगोलिन अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, एंड डिसअपीयरिंग फास्ट। तो ये जब लायन वन शिकार करने आता है, ये जो अपना का कर्व कर लेता है, एक देखते हैं पेंगोलिन का। For most people, England, mammal.
is one you may have never even heard of. The pangolin. Despite its lizard-like appearance, the pangolin is indeed a mammal. Some pangolins are as small as a house cat, while others are as big as a medium-sized dog. Pangolins are covered in as many as 1,000 scales, which protect them from predators like big cats. When threatened, a pangolin's natural defense is to curl up into a ball. Unfortunately, there's one predator that pangolins aren't able to protect themselves against: humans. According to some estimates, poachers have hunted more than 1 million pangolins in the past decade. Poachers use trafficking routes that span the globe, frequently shifting routes to evade law enforcement. All 8 pangolin species, found only in tropical Asia and sub-Saharan Africa, are now at risk of extinction. Pangolins are killed for a variety of uses, from medicine to luxury goods, with the greatest demand in China and Vietnam. Pangolin scales, often powdered or made into a paste, are prescribed in traditional medicine for everything from relieving arthritis to stimulating lactation. However, these remedies have no scientific basis. In fact, pangolin scales are made of keratin, the same material found in fingernails. Pangolin fetuses, sometimes consumed in soup, are erroneously thought to enhance a man's virility. But only the wealthy can afford to eat pangolin, which is consumed in parts of Asia to demonstrate social status. In 2016, CITES, the International Treaty on Wildlife Trade, voted to ban all commercial trade in pangolins. However, these creatures continue to be poached at an alarming rate, even causing a devastating crash in Asian pangolin populations. Recently, poachers have increasingly turned to African species. The largest confiscation of pangolin scales occurred in 2017, which, according to one estimate, came from about 20,000 African pangolins. Making prospects worse for pangolin conservation, pangolins face habitat loss. Plus, they reproduce slowly, giving birth to only one baby a year. But why should we care about an animal most people have never heard of? Pangolin dealers are often part of the same worldwide criminal networks that drive other animals, such as elephants and rhinos, toward extinction. Plus, loss of pangolins could prove to be an ecological and economic disaster for local communities. Pangolins eat termites that might otherwise destroy crops and buildings. Pangolins also suffer abuses in the wildlife trade, such as force feeding and injuries from snares. A few lucky pangolins survived being trafficked. Confiscated pangolins in Vietnam, for example, may be sent to a rescue center and returned to the wild. There's a lot of work to be done to ensure the survival of pangolins. Countries must work to So critically endangered, shayad abhi kar diya isko. That is one point. Iska jo tongue hota hai, uske body ke size ke barabar ka hota hai. Matlab pura tongue nikal lega to. और ये क्या करता है कि चीटी के खासकर व्हाइट टर्माइट जो है दीमक का टर्मेटेरियम होता है ना फॉरेस्ट में देखोगे बहुत बड़े बड़े टर्मेटेरियम होते हैं तो उसमें अपना जीभ पूरा डाल लेता है तो पूरा चीटी उसके जीभ के चारों बगल चिपक जाता है और चाहे पेड़ के बीच में क्रेवाइसेज होता है उसमें वो चीटी रहती है तो उसमें पूरा जीभ डाल लेगा चिपक जाएगा आइए अपना नाक को कान को नोस्ट्रिल सबको जो है एकदम पूरा बंद कर लेता है ताकि कोई चीटी उटी से कान में नाक बन ना जाए और पूरा एक बार में गल्प कर लेता है तो इनफैक्ट इट्स गुड कि भाई कंट्रोल करता है नेचर को इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है तो
इसका जो है ये पेंगुइन का तो देख ही लिया आपने, पेंगोलिन। और क्या, अनंत तेलतुंबड़े का नाम सुना होगा बेटा, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है, सोशलिस्ट थिंकिंग के राइटर हैं, और ही हैज बीन, इनको चार्ज किया जा रहा है क्या कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए में, और क्योंकि वो कौन सा था वो, ये जो आपका 1 जनवरी को जो हुआ था, व्हाट इज दैट, भीमा कोरेगांव केस के साथ इनको लिंक करके, इनको फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको थोड़ा सा मिला है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फार्म शॉप विल बी हार्ड टू इम्प्लीमेंट, ये आपका वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है ना, इसके बारे में है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो, व्हाट डज द स्कीम ऑफर, पता ही है 6,000। व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस दे रहा है कि द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स ऑफ 2 हेक्टेयर और लेस अकॉर्डिंग टू लास्ट एग्रीकल्चरल लैंड सेंसस। हाउ आर द गाइडलाइंस, ए सिंगल फैमिली में होल्ड मल्टीपल लैंड पार्सल्स, अब बता रहे थे पांच पांच भाई है, पांचों को मिल जाएगा, विच विल बी पूल्ड टू डिटरमिन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द बेनिफिट। Similarly, even land holdings bigger than 2 hectares, if owned by multiple families, will make them eligible for this scheme. For example, if 5 brothers jointly own a single 10 hectare of the holdings, each of them will be eligible for this scheme. However, the members of a single family unit each own 3 1-hectare holding, they will not be eligible. Member of the single family unit each own 3 1-hectare holding, they will not be. तीन है, तीनों एक एक हेक्टेयर ले रहे हैं तो उनका नहीं होगा दोनों। हाउएवर इफ द मेंबर ऑफ ए सिंगल फैमिली यूनिट ईच वन थ्री 1 हेक्टेयर होल्डिंग, हर एक के पास तीन है, ईच वन 3 हेक्टेयर होल्डिंग, अच्छा दे विल नॉट बी एलिजिबल, मतलब 5 है 10 में तो एलिजिबल है, 3 है और 9 है तो नहीं एलिजिबल है, नहीं यही है ना मतलब। दिस इज ए मेस सेज विकास वाल, प्रोफेसर ऑफ जेएनयू सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडी एंड प्लानिंग, स्पेशलाइज इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। शी सेज इट विल बी डिफिकल्ट टू यूज एग्जिस्टिंग लैंड रिकॉर्ड्स टू डिटरमिन बेनिफिशियरीज, ये लैंड रिकॉर्ड से इस बेनिफिशियरी को देखना बड़ा मुश्किल है। लैंड रिकॉर्ड्स आर हेल्ड इंडिविजुअली, हाउ डू यू नो विच फैमिली होल्ड्स हाउ मच लैंड, ज्वाइंट फैमिली होल्डिंग टाइप का कुछ चीज तो कम ही होता है। कहने का अर्थ है कि जमीन में दो तीन चीजें होती है, एक होता खाता खेसरा नंबर नहीं, तो अगर जो जो आपका म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन माने दादा के नाम पे भी जमीन है, तो अल्टीमेटली जो है आप मालगुजारी देने के टाइम में जो होल्डर होता है उसके नाम में वो म्यूटेशन हो जाता है। ये बात कह रहा है कि म्यूटेशन किसके ऊपर कितना हुआ है, ये बड़ा मुश्किल है कि उसमें 10 एकड़ जमीन है, मान लिया कि 5 भाई है, पांचों में सबको म्यूटेशन करवा दिया, अभी क्या हुआ कि 2 भाई बाद में आए और 3 भाई ने अपना 3-3 एकड़ करवा के रखा है, दूसरे भाई का भी म्यूटेशन में नाम नहीं आया, तो इसको तो नहीं मिलेगा ना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो काफी हॉचपॉच तो है इसमें, स्टेटस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में। ठीक है, तो अभी आज संडे है, आप लोग जो है रखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं कि कल का हम लोग रख लेंगे क्या, पंजाब हरियाणा, ठीक, स्टेट इन फोकस, और 127 से 149 तक, 127 to 149, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।